अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अहमद अली है। आज मैं आपको सिखाऊंगा फ़ोटोशॉप 2020 में हम दो फ़ोटोज़ को मर्ज कैसे कर सकते हैं। हम इसमें इजीली दो तीन चार जितनी चाहें आप फ़ोटोज़ को मर्ज कर सकते हैं। लेट्स सपोज देखें, ये मेरी लेयर वन में एक पिक्चर ही है, ठीक है। ये देखें, ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और लेयर टू में मेरी इमेज ही है, ठीक है। ये मैंने दो इमेजेस ली हुई हैं, मैंने इनको ऐसे एडजस्ट करना है कि ये आप लोगों को लगेगा कि ये ओरिजिनल है, ठीक है। अब देखें, ये मैं अपनी लेयर वन को कुछ यूं सेट कर लेता हूँ कि यहाँ तक, क्या आई होप कि यहाँ तक ठीक रहेगी, बेस्ट रहेगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको, मतलब ये जो आपके बादल है ना, मैं इसको अनहाइड करके देख लेता हूँ कि मेरे ये जो बादल हैं ये यहाँ तक आने चाहिए, ताकि ये जो लगे ना मुझे ओरिजिनल लगे, ठीक है, दो पिक्चर्स को। अब मैंने क्या किया, इनको ऐसे एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इस पे जाऊँगा, अपनी लेयर टू, ये जो कॉपी लेयर है ना, मैं इस पे जा रहा हूँ। इस पे जा के सिंपल ये देखें, यहाँ पे एक कैमरे का आइकन बना हुआ है, जिस ये देखें, जब मैं यहाँ पे हैंड लेके जाता हूँ, यहाँ पे लिखा आता है ऐड लेयर मास्क, कि हमने यहाँ पे क्या करना है, लेयर मास्क को ऐड करना है। मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें, यहाँ पे एक लेयर ऐड हो गई है। अब ये जो लेयर है ना, ये इसके साथ क्या है, ये दोनों लिंक है, ये जो साइन है ना, ये देखें, मैं इस पर हैंड लेके जाता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, इसने इस दोनों को क्या किया, इंटरलिंक कर दिया हुआ, ठीक है। अब ये दोनों लेयर्स क्या हो गई हैं, इंटरलिंक हो गई हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, अब मैं सिंपल यहाँ से, ठीक है, मैं यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करता हूँ, ये ब्रश टूल, ठीक है, ये आपका यहाँ पे ब्रश टूल होगा, मैं वो सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये आइकन मेरा क्या है, इस पर कुछ भी वर्किंग नहीं हो रही। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने अभी कोई लेयर ही नहीं सेलेक्ट की हुई। मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, अब मैं इस पर ले के आता हूँ, ये देखें, ये मेरा ब्रश टूल आपको शो हो रहा है। अब मैं इसके ऊपर करता हूँ तो इधर भी हो रहा है, लेकिन जब मैं बैकग्राउंड पर आऊँगा ना, मतलब कोई लेयर सेलेक्ट नहीं करता, इसका मतलब ये क्या है, ये मुझे कुछ भी शो नहीं करवा रहा। इसलिए क्या करना होता है, हमने लेयर को सिलेक्ट करना होता है, और हमने लेयर कौन सी सिलेक्ट करनी, ये वाली, ठीक है। अब मैं इसको ब्रैकेट से थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ, ये देखें, अब मैं यहाँ भी ये कर रहा हूँ, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा, ये तो ठीक नहीं हो रहा। मतलब हमने तो क्या करना है, हमने दोनों को मर्ज करना है कि ये जो कलरिंग है ना रिमूव हो जाए। मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो यहाँ पे कंपलसरी है कि यहाँ पे आपका वाइट, ठीक है, और नीचे आपका ब्लैक कलर सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट करूँ, ये दोनों को सेलेक्ट किया, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या कर रहा है, सारा वाइट किए जा रहा है, लेकिन अभी भी ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। तो मैं कंट्रोल जी करके यहाँ से सिर्फ ब्लैक कलर को ऊपर और वाइट को नीचे लेके आता हूँ। अब देखें ज़रा, अब क्या होता है, अब मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, ये जो मैंने इंटरलिंक की हुई है, ब्लैक को ऊपर लेके जाता हूँ। अब ये देखें, जब ब्लैक कलर ऊपर आया और इस लेयर को मैंने सेलेक्ट किया, तो ये क्या हो रहा है कि अब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको बिल्कुल सही नज़र आए, ठीक है। ये देखें, मैंने क्या किया है, अब इनको इन पे मास्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ इसको कुछ यूं कर लेता हूँ, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए, आपकी मतलब अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप इससे भी ज़्यादा बेटर कर सकेंगे। तो मैंने कोई नॉर्मल से पिक्चर सेलेक्ट की है, ठीक है, आप कोई भी अच्छी पिक्चर लेके उस पर वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये देखें, अब चले मैं ऐसा करता हूँ, इसको एक बार इसको कहाँ पे, यहाँ पे एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मैं दोबारा इस पे आता हूँ, ठीक है, और अगेन अपना ब्रश सेलेक्ट करके हमने कुछ ऐसा शो करवाना है कि ये मुझे रियल लगे, ठीक है। ये मेरी कोई पिक्चर की सिलेक्शन इतनी कोई खास अच्छी नहीं थी, लेकिन अगर आपकी पिक्चर्स की सिलेक्शन अच्छी होगी तो इंशाल्लाह आप इसको ऐसा कर सकेंगे कि ये आपकी ओरिजिनल पिक्चर्स लगेंगे। अब देखें, मैं एक चीज़ ही खाता हूँ, यहाँ पर मैं मैग्नीफायर ऑन करता हूँ अपने लैपटॉप का, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये देखें, ये लेयर यहाँ पे ब्लैक ही हो गई है। देखें,
मैं इसके ऊपर लेयर लिया है, इसको लिंक करके इस पे ब्लैक कलर कर रहा हूँ, मतलब ब्लैक चीज उसके ऊपर ब्रश फेर रहा हूँ, तो वो क्या हो रहा है, वो जो उसका जो बैक पे ओरिजिनल फॉर्मेट है ना, वो शो करने लग गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो की समझ आई होगी।